एलेक्सा लाइट ऑन करो। हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास है वन प्लस नॉर्ड CE2 मोबाइल, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें जो एलेक्सा इनबिल्ट है उसको आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, यानी कि हैंड्स फ्री एलेक्सा को कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास भी ये मोबाइल है तो आप इसमें जो है इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपके पास कोई दूसरा भी मोबाइल है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने मोबाइल में एलेक्सा को सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर एलेक्सा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, यानी कि एलेक्सा को डाउनलोड कर लेना है। जैसे एलेक्सा लिखेंगे तो अमेज़न एलेक्सा आ जाएगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको आप इंस्टॉल करने के बाद जो इसकी सेटिंग रहती है गाइज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी सेटिंग सही से नहीं होगी तो आपका हैंड्स फ्री एलेक्सा जो है वो काम नहीं करेगा। तो गाइज, यहाँ पर देख पा रहे हो कि एलेक्सा जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने पर फर्स्ट टाइम ये आपके पास इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो अमेज़न का अकाउंट है उसको आपको यहाँ पर डाल लेना है, यानी कि जो आपने अमेज़न पर अकाउंट बनाया हुआ सेम उसी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर जो है उसी अकाउंट से लॉगिन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना अमेज़न का अकाउंट डाल लेता हूँ। आपने अगर नहीं बनाया तो अमेज़न का अकाउंट जो है बना सकते हो, नया बना सकते हो, उसके बाद यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना अकाउंट डाल देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपना अकाउंट डाल दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको इस तरीके से OTP आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है, और हम अपना OTP डाल देते हैं और यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आप साइन इन हो जाएंगे इस अकाउंट से, यानी कि जो आपका अमेज़न का अकाउंट होता है उससे साइन इन हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास इस तरीके से लोड होके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंकित कुमार के नाम से आ चुका है, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद गाइस आपके सामने फिर से प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है एलेक्सा हैंड्स फ्री को सेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर यस करना है, यस करने के बाद अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चाहो तो इंग्लिश में रख सकते हो, नहीं तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, क्योंकि एलेक्सा जो है वो हिंदी में भी सपोर्ट करता है। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी में ही इसको रख देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। अब गाइज ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप जो है ये जो लिखा हुआ है इसको आप एलेक्सा से कहिए, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ। देखिए मैंने एलेक्सा बोल दिया, तो यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया। फिर से 5 बार आपको बोलना पड़ेगा एलेक्सा एलेक्सा। तो ये देखिए मेरी आवाज़ को इसने कैप्चर कर लिया। उसके बाद यस आई वांट आपको ऊपर वाले पर क्लिक करना है और अलाउ करना है, यानी कि आपका मोबाइल अगर लॉक कंडीशन में होगा तो भी आपका एलेक्सा जो है काम करेगा। उसके बाद आपको डन करना है। डन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको लोकेशन की परमिशन दे देना है, यस करना है, और यहाँ पर इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद गाइज आपको यस कर देना है कॉन्टैक्ट वगैरह इसके लिए, तो सब कुछ यस कर देना है जिससे कि ये अच्छी तरीके से काम करेगा। तो उसके बाद आपके सामने ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेटअप लेटर लिखा हुआ है दैट्स एवरीवन, तो आपको दैट्स एवरीवन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ऑल सेट एलेक्सा रेडी टू असिस्ट योर फैमिली, तो आपको डन करना है। डन करने के बाद गाइज आपका जो एलेक्सा सेटअप है वो तैयार हो चुका है, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप जो है इसको लॉक करके भी दिखा देता हूँ, तो लॉक करने पर भी ये काम करेगा। एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, ये देखिए मेरी लाइट जो है वो टर्न ऑन कर दिया। उसके बाद फिर से हम अगर कहेंगे कि टर्न लाइट बंद करो तो लाइट बंद कर देगी। एलेक्सा लाइट बंद करो, ठीक है। देखिए गाइज मेरी लाइट भी बंद हो चुकी है, यानी कि मेरे पास जो स्मार्ट लाइट लगी हुई है वो जो है इसे कनेक्ट है, मैंने पहले से ही कर रखा है, उसके लिए आपको अलग से करना पड़ता है। तो गाइज इस तरीके से आप हैंड्स फ्री जो है एलेक्सा को सेटअप कर सकते हैं अपने इस वन प्लस के मोबाइल में। एलेक्सा लाइट ऑन करो, एलेक्सा लाइट बंद करो।